व्यक्तित्व दिया गया। मैं तो हिंदुस्तान के उत्तरांचल के छोटे से हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा प्राणी हूं। ज्ञान में मुझसे बहुत आगे यहां विद्वान बैठे हैं। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, ज्योतिष में मेरी रुचि है। बंधुओं, ज्योतिष पर हमारे विद्वानों ने बहुत अपने विचार रखे, चर्चा की, ज्योतिष कब से है, ज्योतिष की क्या उपयोगिता है और ज्योतिष में भ्रांतियां क्यों हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ज्योतिष में भ्रांतियां नहीं है, भ्रांतियां तो अंधकार में होती हैं, ज्योति तो भ्रांति का दूरदर्शन करती है, ज्योति तो भ्रांति का निराकरण करती है। ज्योतिष भ्रांति पैदा करने के लिए नहीं है, भ्रांति का निवारण करने के लिए है। हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं चलने के लिए, या तो हम उजाले में चलें या अंधेरे में चलें। उजाले में चलने का नाम है ज्योतिष के साथ चलना और अंधेरे में चलने का नाम है ज्योतिष के बिना चलना। मैं ये नहीं कहता कि जो उजाले में चलता है वो हमेशा सफल ही होता है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जो अंधेरे में चलता है वो हमेशा असफल ही होता है। लेकिन उजाले में चलने वाले की सफलता का अनुपात अधिक होता है। उजाले में चलने का मकसद ज्योतिष के साथ चलना। सृष्टि की उत्पत्ति भारतीय मान्यता के अनुसार अज्ञान और माया के कारण हुई। ये अज्ञान और माया ईश्वर के अंश को ईश्वर से, ज्योति रूप ईश्वर के अंश को ईश्वर से दूर करने पर पैदा होती है। ये अंधकार रूप है, ईश्वर ज्योति रूप है। ईश्वर से उसका अंश जितना दूर जाएगा उतना अंधेरे में होगा, और जब अंधेरे में होगा तो अंधेरे में जाना और अंधेरे से वापस ज्योति में आना, ये केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी दो रास्ते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, दो रास्ते हैं। अमेरिकी दर्शन इनको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानता है। ईश्वर से निकला और पुनः ईश्वर में लौटने की यात्रा, इस यात्रा में जब अंधकार होता है तो बृहदारण्य को उपनिषद का ऋषि कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे इस अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। अंधेरे से उजाले की तरफ चलना है। बंधुओं, यह शास्त्र जब से सृष्टि पैदा हुई, जब से सृष्टि हुई तभी से यह शास्त्र है। इंसान ने आंख खोली तो देखा सूरज चमक रहा है, शाम को सूर्यास्त हुआ तो देखा आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं। आखिर ये क्या है, इनका क्या असर हो सकता है हमारे जनजीवन पर, इसके बारे में विचार शुरू हुआ, मंथन शुरू हुआ, और उस मंथन ने नए आयाम गढ़े। ऋषियों ने जिन चीजों को आत्मसात किया, जिस विधि के विधान को आत्मसात किया, उसी चिंतन का परिणाम ज्योतिष है। ज्योतिष, अभी आचार्य जी ने कहा कि एक वेदांग है, वेद के जो छह अंग हैं, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान तक पहुंचने के छह रास्ते हैं, ज्ञान को जानने के लिए छह अंग हैं, छह तरीके हैं, छह विधियां हैं जिनसे हम ज्ञान के भवन में प्रवेश कर सकते हैं। उन छह में एक है ज्योतिष। चूंकि वेद का उद्देश्य है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए जो उपाय बताए, वह शब्द राशि वेद, इसलिए वेद मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाते हुए उसको ज्योतिर्मय पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा देता है और अंततो गत्वा मोक्ष के मार्ग पर। अगर कहीं कमी होती है तो हमारी होती है, हम उस शास्त्र को उतने अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाते,
अगर पढ़ते हैं तो उसका चिंतन नहीं कर पाते और चिंतन करते हैं तो व्यवहार में उतार नहीं पाते। एक सफल ज्योतिषी के लिए सामान्य भाषा में अगर कहें तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, शास्त्र का ज्ञान, फलादेश करने का स्थान और फलादेश करने वाले ज्योतिषी का ध्यान। ये तीनों चीजें जब ठीक जुड़ेंगी तब वो सही सही आकलन कर सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो वो सही आकलन नहीं कर सकता। ब्राह मिहिर ने बृहत संहिता में सांवत्सर सूत्राध्याय लिखा कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। अगर उस कसौटी पर आज हम कसें तो भारत में कोई ज्योतिषी नहीं मिलेगा। जितनी विशेषताएं उन्होंने ज्योतिषी के लिए दी हैं, आज ज्योतिष की एक शाखा का थोड़ा सा ज्ञान करने के बाद आदमी अपना बड़ा सा विजिटिंग कार्ड छपवाता है और उस पर अपनी बड़ी बड़ी ज्योतिष मारतंड, ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष विभूषण, ये सारी उपाधियां लिख लेता है एक छोटी सी शाखा का। उसको प्रश्न कुंडली का विधान पता है, उसको मुहूर्त का ज्ञान पता है, उसको गणितीय प्रविधि का पता है, उसको जातक ग्रंथों का पता है, उसको संहितागत फलादेश की प्रक्रिया का पता है। बड़ा व्यापक विषय है। मैं बीच में दो तीन बातें आई, चूंकि आपने मुझ जैसे छोटे आदमी को अध्यक्ष भी बनाया था, हमारे विद्वान वक्ताओं ने कुछ बातें कही, उनमें मैं दो तीन बातों को रेखांकित करना चाहूंगा। एक शनि की साढ़े साती की बात कही गई जिससे समाज में लोग बहुत डरते हैं। दूसरी एक बात यह भी आई कि नाम राशि की प्रधानता नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नाम राशि की बहुत प्रधानता है, बहुत महत्व नाम राशि को है। स्वर शास्त्र में जब आप उतरेंगे तो स्वर शास्त्र तो ये कहता है प्रसुप्तो ये न बुध्यते ये न आगच्छति शब्दितः। सोया हुआ आदमी जिस नाम को लेने से जाग जाए और जाता हुआ आदमी जिस नाम को पुकारने से लौट आए, इसका मतलब उस नाम के साथ उसका संबंध है। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपका जो जन्म का नाम है उसके उस नाम से अगर आपको कोई पुकारेगा आप सुनेंगे नहीं, लेकिन आपका जो प्रसिद्ध नाम है आपका व्यवहार उससे चलता है और जिससे व्यवहार चलता है उसी से व्यवहार प्रभावित भी होता है और व्यवहार प्रसिद्ध नाम से चलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने उसकी व्यवस्था दी है। दूसरी बात साढ़े साती की, साढ़े साती आखिर में करती क्या है और साढ़े साती के नाम से लोग डरते क्यों हैं? साढ़े साती तब शुरू होती है जब चंद्रमा के पिछले भाव में शनि गोचर में प्रवेश करते हैं। कितने अंश के अंतराल पर हो वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जिस भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा स्थित है उससे पिछले भाव में जब शनि गोचर में प्रवेश करेगा तो हम कहेंगे कि साढ़े साती शुरू हो गई, क्योंकि शनि एक राशि में मध्यम मान से ढाई वर्ष 2.5 years रहता है और चंद्रमा से पिछली राशि में ढाई साल, चंद्रमा वाली राशि में ढाई साल, चंद्रमा से आगे वाली राशि में ढाई साल, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो इसका नाम है 7.5 साल, इसी का नाम है 7.5 साती। लेकिन यह कष्टदायी क्यों होती है? हम कोई भी काम करते हैं हमारे सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक वो होता है जो हमारे भले के लिए हो और एक वो होता है जो केवल इच्छा पूर्ति के लिए हो।
जैसे भले के लिए है कि सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, पढ़ें लिखें, संध्या वंदन करें, उपासना करें, साधना करें, आगे बढ़े। हम रात को संकल्प लेते हैं कि सुबह हमको इतने बजे उठना है और घूमने जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अपने को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है। सुबह हुई, अंदर से आवाज आई कि उठिए, आपको उठना है, आगे बढ़ना है। फिर दूसरी आवाज आई कि नहीं, आज एक घंटा और सो लो, कल से पक्का। तो ये पहली आवाज जो है, ये है बुद्धि की जो जगाती है। बुद्धि की आवाज हमारे कल्याण के लिए होती है। और दूसरी आवाज है मन की, जो हमारी इच्छा के लिए है। अब एक साथ दोनों आवाजें आएंगी। हमने रात को तय किया है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और उठ करके ये काम करेंगे, लेकिन सुबह जब हुई तो ठंड अधिक थी, हमने सोचा एक घंटा और सो लें, एक घंटा और सो लें, कल से पक्का, आज आज का दिन। ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को मिठाई खाने के लिए मना किया होता है डॉक्टर ने, और जब मिठाई उसके सामने आती, मिठाई उसको अत्यंत प्रिय, तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं खानी तेरे को। फिर दूसरी आवाज आती, नहीं अभी खा लो, बाद में टेबलेट एक फालतू ले लेंगे। तो पहली आवाज है बुद्धि की जो बोलती है ऐसा मत करो या ऐसा करो, और दूसरी आवाज है मन की, वो बोलता है नहीं आज का दिन कर लो, कल मत करना। आवाजें दो और मानने वाला एक, एक समय में एक ही मानेगा। बुद्धि की मानी तो बुद्धिमानी, मन की मानी तो मनमानी। मनमानी खड़ा करती है परेशानी। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अगर ठीक से रहना है तो हमारे व्यवहार में, आम सब लोग जिन्होंने ज्योतिष नहीं भी पढ़ा है, कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ा है, वो भी जानते हैं कि व्यक्ति को सुख प्राप्त करने के लिए दो चीजों का ठीक होना बड़ा जरूरी है, एक पेट का और दूसरा पड़ोस का। जिसका पेट और पड़ोस ये दोनों ठीक हो, वही सुख को भोग सकता है। चरक ने चरक संहिता में कहा, मंदे अग्नौ सर्वे रोगा, मंदाग्नि में सब रोग आते हैं। अब चंद्रमा चूंकि हमारा मन है, और चंद्रमा जहां बैठा है कुंडली में, उससे पिछले भाव में जब शनि आया तो चंद्रमा का पड़ोस खराब हुआ। फिर चंद्रमा वाली राशि के ऊपर से संक्रमण करता है, फिर चंद्रमा से अगले वाली राशि में संक्रमण करता है। तो जितने दिन अगली और पिछली राशि में पड़ोस में रहा, उतनी देर चंद्रमा को पीड़ित किया। तो चंद्रमा हमारा क्या है? विराट पुरुष के मन से चंद्र की उत्पत्ति मानी है, चंद्रमा मन सो जात। चंद्रमा का हमारे मन से घनिष्ठ संबंध है, चंद्रमा हमारे मन का द्योतक है। इसलिए जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का संक्रमण होता है, उतने दिन कुल मिलाकर के 7.5 साल के लगभग ये अवधि होती है। तो व्यक्ति उस वक्त जानकार होते हुए भी वो करता है जो मन कहता है, और मन जो कहता है उसके करने का नाम है मनमानी। और जब मनमानी होती है तो खड़ी होती है परेशानी, और फिर ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है कि महाराज मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, कुछ उपाय बताइए। वैज्ञानिक रीति से इसको समझने की जरूरत है। आयुर्वेद ने जब स्वास्थ्य की चिंता की, स्वास्थ्य का चिंतन किया, तो उन्होंने आयुर्वेद के प्रयोजन को कहते हुए कहा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम, आतुरस्य च विकार प्रशमनम, प्रयोजनम चास। इस शास्त्र